हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हुमानी और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो अब रक्षाबंधन में सिर्फ बचे हैं 3-4 दिन, मतलब आज 18 है और 18, 19, 20, 21 और 22 को तो रक्षाबंधन है ही। तो आज से मेरी शुरू हो गई रक्षाबंधन की तैयारी। एक्चुअली मैं बीमार थी तो मैं कुछ भी ढंग से कर नहीं पा रही थी, तो फाइनली मैं आज इतने दिन से सोचते वैक्सीन करने वाली हूँ आज। तो मैं आपका खुद से सेल्फ वैक्सीन का एक्सपीरियंस आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो आप भी अपने घर पर खुद से वैक्सीन कर सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना कि खुद से आप वैक्सीन घर पर कैसे कर सकते हैं पेनलेस और कम से कम दर्द के साथ। अगर जब आप अपने खुद के हाथ से करते हो तो आपको थोड़ा सा अपने हाथ पर कंट्रोल होता है पेन के ऊपर। अगर कोई दूसरा बंदा आपके, जैसे आप पार्लर में जाते हैं कभी वैक्सीन कराते हैं, तब पेन ज़्यादा होता है। अकॉर्डिंग टू मी ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया, ऐसे मैंने फील किया है। सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है वैसे तो। चलिए देखते हैं वीडियो को, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैंने वैक्सीन करने के लिए लिया है ये वैक्सीन स्ट्रिप्स जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, और ये एलोवेरा वैक्स है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है सब। ये नाइसिल का टेलकम पाउडर है, आप कोई भी टेलकम पाउडर ले सकते हो। और ये वैक्सीन हीटर है जिसमें मैं डालकर वैक्सीन को गर्म करूँगी। और ये वैक्सीन मैंने यहाँ गर्म होने के लिए रख दी है और ये गर्म हो चुकी है अच्छे तरीके से। और मेरे हाथों की ग्रोथ कुछ इतनी है, आप देख सकते हैं कैमरा पे, शायद इतना क्लीन ना दिख रहा हो। बहुत ज़्यादा टैनिंग भी हो चुकी है हाथों पर। सबसे पहले मैं लगा लूँगी टेलकम पाउडर। इस वैक्सीन स्ट्रिप्स के साथ शुरू करेंगे अपनी वैक्सीन। और ये मैं लगा रही हूँ ऑपोजिट डायरेक्शन में लगानी है गाइस वैक्सीन आपको, आराम आराम से। और आप एक बार ज़रूर चेक कर लें, ज़्यादा गर्म ना हो क्योंकि ये थोड़ा रिस्की भी है, इससे आपकी स्किन जल भी सकती है। तो मेक श्योर आप एक बार चेक कर लें कि आपकी स्किन को ये जला ना दे।
और आप देख सकते हैं वैक्सिंग स्ट्रिप्स में हेयर निकले हुए। इसी तरीके से दूसरे हाथ पे भी हम वैक्सिंग कर लेंगे। इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको, जैसे कि मौसम चल रहा है इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो इसमें वैक्सिंग नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे अगर आप करने लगोगे तो नहीं हो पाएगी, बहुत ही मतलब ऐसी वो स्टे ही नहीं कर पाएगी आपके हाथों के ऊपर, ना ही वो उससे बाल निकलेंगे अच्छे तरीके से। तो आप ध्यान रखें कि आप एसी वाली जगह पर ही वैक्सिंग करें, अदरवाइज़ ये फिर वर्क नहीं करेगी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर। ये देख सकते हैं बाल मैंने निकाल लिए हैं, और इसी तरीके से पूरी वैक्सिंग कंप्लीट करेंगे हम, जो जो पोर्शन हमारा रह गया है, और बाद में भी एक बार चेक कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ रह जाए एक दो बाल जो रह जाते हैं उसे हम आराम से निकाल सकते हैं बाद में भी। पूरी वैक्सिंग करने के बाद एक बार आप ज़रूर अपने हाथों पर या जहाँ भी पैरों पर जहाँ भी आप वैक्सिंग कर रहे हैं एक बार ज़रूर नज़र मारें कि कहीं कोई बाल रह तो नहीं गया है, क्योंकि वो जो एक दो बाल रह जाता है वो बड़ा बेकार लगता है ऐसे पूरे हाथ क्लीन और एक दो जगह ऐसे बाल रह जाते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो हमें एक बार ज़रूर नज़र मारनी चाहिए लास्ट में। बस बहुत सिंपल है गाइस, वैक्सिंग करना खुद से, वैक्सिंग हीटर होना चाहिए आपके पास और वैक्सिंग होनी चाहिए। वैक्सिंग स्ट्रिप नहीं भी है तो आप थोड़ा थिन कपड़ा ले सकते हैं, जैसे जींस का कपड़ा होता है उस टाइप का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं आप, उसकी पतली पतली स्ट्रिप्स बना लीजिए इसी साइज़ में जैसे स्ट्रिप्स मार्केट में आती हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, उससे बहुत आराम से आपकी वैक्सिंग हो जाती है। बल्कि इन वैक्सिंग स्ट्रिप्स से मैं कहूँगी वो ज़्यादा बेटर रहती हैं। तो बस यही करना है, वैक्सिंग लगानी है ऑपोजिट डायरेक्शन में और ऑपोजिट डायरेक्शन से ही आपको बाल निकालने हैं, बट आपको बाल खींचने नहीं है, ऊपर की तरफ को पुल करने हैं। एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको खुद से ही ये करना आ जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत इजी है। आप आराम से एक बार दो बार तीन बार करेंगे तो आपको खुद से ही प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत इजी है। मैं भी शुरू शुरू में डरती थी, मैंने क्या कहते हैं वीट वाली वैक्सिंग भी यूज़ कर की हुई है, अगर आप कहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उसका भी आपको एक बार रिव्यू ऑनेस्ट व्यू करके आपको दिखा दूंगी कि उससे कैसा एक्सपीरियंस रहता है वैक्सिंग करना, बट उससे बाल इतने क्लीन नहीं हो पाते और उसमें बहुत ज़्यादा वो वेस्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा लग जाती है, क्योंकि उसमें इतनी अच्छी तरीके से बहुत जो उसका गम होता है जो वैक्सिंग होती है वो बहुत कम क्वांटिटी में लगी होती है, तो बेटर ये रहती है और सस्ती भी यही पड़ती है। सो गाइज ये था आज का वीडियो, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको पसंद आई होगी वीडियो। और आप देख सकते हैं मेरे हाथ आफ्टर वैक्सिंग सारा टैन रिमूव हो गया अच्छी तरीके से, और काफ़ी सफल काफ़ी स्मूथ हाथों का टेक्सचर हो गया है, जो विदाउट वैक्सिंग मेरे हाथ बहुत ज़्यादा रफ हो गए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।